माथाड़ी कामगारों को अब ज्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मनसे सहकार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बालासाहेब शिंदे ने एपीएमसी प्रशासन को निवेदन देकर माथाड़ियों के लिए 25 किलो वजन वाली पैकिंग शुरू कराने की मांग की है। जाहिर है यदि ऐसा होता है तो माथाड़ी कामगारों को ज्यादा बोझ ढोने से निजात मिल सकेगी। देखिए रिपोर्ट। नई मुंबई की एपीएमसी मंडियों में अब माथाड़ियों को राहत देने वाला नियम लागू होने वाला है। मनसे सहकार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बालासाहेब शिंदे की मांग पर यदि अमल होता है तो जल्द ही एपीएमसी में 50 किलो की बजाय एक गोनी में 25 किलो वजन भरने का प्रचलन शुरू हो सकता है। असल में अब तक एक गोनी में 50 किलो कृषि माल भरने का नियम है, लेकिन खेतों में पैकिंग के समय 55 से 60 किलो माल भर दिया जाता है। मनसे नेता ने बताया कि यह वजन है कि कई मंडियों में माथाड़ी कामगारों ने ज्यादा वजन वाली बोरियां उठाने से मना कर दिया है, जिससे कृषि उत्पाद बर्बाद होने लगे है। कांदा बटाटा मार्केट मधील माथाड़ी कामगार आणि व्यापारी यांच्यामध्ये 50 किलो गोनी बाबत असणारा वाद हा स्वतः सन्माननीय सचिव साहेबांनी मध्यस्थी करून तातडीने सोडवावा, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचा व्यापाऱ्यांच्याकडून बंद घोषित करून बाजार समिती, व्यापारी, माथाडी बांधव आणि ग्राहक यांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये। फिलहाल एपीएमसी प्रशासन ने इस मुसीबत के समाधान का सुझाव मान लिया है। मनसे नेता बालासाहेब शिंदे ने इस सकारात्मक स्मृति के लिए एपीएमसी सचिव की सराहना करते हुए बताया कि गोनियों में ज्यादा माल भरने की यह गलती खेतों से शुरू होती है जहां वजन काटा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 25 किलो की गोनी उपयोग करने का निर्देश लागू होने से अधिकतम माल 35 किलो तक पैकिंग होंगे, जिससे माथाड़ियों को बोझ ढोने की मुसीबत का समाधान हो सकता है। माथाड़ी बांधव खऱ्या अर्थाने शेतकरी आहे, माथाडीचे जे काही नेते असतील तेही शेतकरी आहेत, आणि ज्या वेळेला बांधावर गोनी भरली जाते कांद्याची त्यावेळेला तिथे काटा नसतो, त्याच्यामुळे लमसम भरल्यानंतर 50 किलो, कुठं 45 किलो, कुठे 52 किलो, कुठे 55 किलो होत असतो। याच्यामध्ये कुठंतरी राजकीय खिचडी पकवण्याच्या याच्यामध्ये आपणच आपल्या माथाडी कामगारांचं, मार्केटचं, व्यापाऱ्यांचं नुकसान करू नये। 25-25 किलोच्याच गोण्या भरण्याचे आदेश द्यावे आणि 25 किलो प्रमाणे मग 25 किलो पासून 50 किलो लाख 49 किलो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।